बिहार में शिक्षक बहाली के मामले में कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। आपके स्क्रीन पर देखिए प्रभात खबर का यह हिस्सा है और इसी तरह का आर्टिकल आपको बाकी अखबारों में भी मिल जाएगा, जहां पर लिखा हुआ है छठा चरण के शिक्षक नियोजन के लिए आज से 29 तारीख तक आवेदन दे सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की 11 सीटें हैं और सोशल साइंस की 85 सीटें अवेलेबल हैं। पटना जिला परिषद नियोजन इकाई है। अब इसके बारे में जो लोग रेगुलरली एसटीईटी या सेवंथ फेज की बहाली को फॉलो कर रहे हैं वो लोग ऑलरेडी अवेयर हैं कि पटना जिला परिषद में फिर से आवेदन लिया जा रहा है, फिर से एप्लीकेशन लिया जाएगा, फिर से प्रोविजनल लिस्ट, फिर से उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब पूरा प्रोसेस को शुरुआत से फिर से किया जा रहा है और ये नवंबर के एंड में जाकर के ये पूरा प्रोसेस खत्म होगा। इसी बारे में आर्टिकल आज के अखबारों में प्रकाशित किया गया है। प्रभात खबर ही नहीं, दूसरे अखबारों में भी इस तरह का आर्टिकल मौजूद है। जो लोग एलिजिबल हैं, हालांकि इसमें एसटीटी 2019 वाले एलिजिबल नहीं है, सिर्फ एसटीटी 2011-12 जो कैंडिडेट पास हैं वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहले ही कैंडिडेट इन लोगों को पूरे बिहार भर में मिले नहीं है, 10% सीटें भी नहीं भर पाई हैं, लेकिन फिर से ये लोग कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट का स्टे भी है, अब कैसे ये प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है पता नहीं, लेकिन कोर्ट के स्टे के बावजूद भी कल के डेट में अगर आप देखें तो एक नोटिस भी निकला था इस बारे में और आज के अखबारों में भी ये खबर है, आज से एप्लीकेशन भी लिया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जो आज के अखबार में अवेलेबल हैं। इसके अलावा अखबार में कई बार ये वाली खबर भी प्रकाशित हुई है जो आपके स्क्रीन पर अभी दिख रही है। ये कई अखबारों ने ये वाला खबर को प्रकाशित किया है टाइम टाइम पे। प्रत्येक प्लस टू विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक की होगी नियुक्ति। एक बात हमेशा याद रखिए, जब तक ये सीटें कैबिनेट से अप्रूव नहीं हो जाती हैं तब तक इस पर आंख बंद करके भरोसा करने की जरूरत नहीं है। अखबार में या ट्विटर के माध्यम से या किसी भी और सोर्स के थ्रू क्या खबर आती है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर कैबिनेट अप्रूव कर दे कि हर एक स्कूल के अंदर, हर एक प्लस टू स्कूल के अंदर अब कंप्यूटर टीचर भी होगा, बाकी जो जरूरी मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं उनकी तरह अब कंप्यूटर साइंस का भी टीचर वहां पर रखा जाएगा, तो ये बहुत बेहतर खबर होगी। कैबिनेट का अप्रूवल जब तक मिलता नहीं है तब तक इस तरह की खबर पर आंख बंद करके यकीन मत कीजिए, लेकिन अगर सभी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक की बहाली हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ बहुत कम जाएगा, बहुत सारे लोगों की जॉब हो जाएगी, ऑलमोस्ट कंडीशन ऐसी होगी जैसा कहा जाता है कि संपूर्ण बहाली हो, तो कंप्यूटर साइंस में संपूर्ण बहाली वाला ही ऑलमोस्ट हिसाब किताब होगा, क्योंकि 17,000 की भीड़ भले दिखे लेकिन वो भीड़ में बहुत बड़ा फ्रैक्शन ऐसा है जो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट ही नहीं करता है। तो यही सब सारी चीजें हैं, इसके अलावा और आज के दिन में कोई बड़ी खबर अवेलेबल नहीं है। आगे कोई भी खबर आती है छठे फेज या सातवें फेज की बहाली से संबंधित तो मैं आपको जल्दी से जल्दी अपडेट करने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।